खेती करते थे यहाँ पे, जो बेसिकली जो अब सारा एरिया है वो मतलब गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है, खेती करते थे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता रहता था, है ना। मतलब पहले पता नहीं था, एक्सप्लोर नहीं हुआ था ये धोलावीरा के बारे में, किसी को कुछ नहीं पता था, तो क्या था कुछ ना कुछ मिलता रहता था, कभी किसी की चूड़ी मिल गई, कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया, ऐसा कुछ ना कुछ मिलता रहता था। तो एक बंदा था गांव का, वो उस चीज़ को संभाल के रखता था। मेरे को लगता है अगर ऐसी चीज़ें भारत में हैं तो लोगों को एक बार जरूर आना चाहिए, सबको इस चीज़ के बारे में एक एक बार तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। कल मैं जाऊँगा, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो कल का व्लॉग भी आप मिस मत कर देना, वो इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। कोई भी व्लॉग आप मिस मत करना, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आपको आगे वाले व्लॉग ना पसंद आए तो पूरे के पूरे पैसे वापस आए, आपने टेंशन ही लेनी इस बात की। भाई गुजरात के रोड तो क्या ही बात है, क्या बात है, मुझे अबाउट 150 किलोमीटर हो चुका है, तो बस सारे का सारा ऐसे ही रोड है भाई। क्या बात है सर, क्या ही बात है भाई। कहाँ से आ रहे हैं तू, रॉन्ग साइड क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है रॉन्ग साइड, क्या क्या कितनी मजबूरी आ गई तेरे को भाई। वो अकेला नहीं, सारे ही आ रहे हैं, मेरे को लगता है उस साइड से रोड बंद हो चुका है। देखो आप रोड में क्या नज़ारा है भाई यहाँ पे, मतलब ड्राइव करने का अलग ही मजा है यहाँ पे। ओके जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी गुजरात में पहुँच गया हूँ, और सबसे पहले गुजरात में जा रहा हूँ मैं धोलावीरा, और उसके बाद जाएंगे हमारा नव कच्छ। समुद्र का पानी इस ऊपर आ जाता है, इधर ऊपर आके तो नीचे चला गया वो। ये देखो आप सब वाइट ही दिख रहा है आपके सामने, और कुछ दिख ही नहीं रहा, टोटली वाइट। ये देखो आप, और कुछ नहीं दिख रहा, बस सिर्फ वाइट ही वाइट दिखे जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। देखो आप नजारे गुजरात के, बाकी जो अब आगे जाऊंगा ना और धोलावीरा से और आगे, तो इससे भी वो अच्छा होने वाला है। ये देखो आप इस साइड, देखो आपको कुछ दिख रहा है, बस जैसे अभी बस आगे खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, लहर ही खत्म हो चुकी है, ऐसे दिख रहा है। क्या नज़ारे हैं अभी, बहुत सही नज़ारा है, मज़ा आ रहा। पता क्या, जब आप ऐसे कंफ्यूज हो गया काम, ऐसे माउंट आबू से चला हुआ ना, से सात आठ घंटे की ड्राइव थी आज मेरी, तो ऐसा थकान फील हो रही हो ना, सामने जब पहुंचना है जिस जगह पे वो लोकेशन अच्छी हो, मन को पसंद आ जाए, सारी थकान को गायब हो जाती है, बंदा दोबारा फ्रेश हो जाता है। अभी तो देखो मैं अभी ये चीज़ देख के बिल्कुल साफ सुथरा खुला आसमान देख के, तो एक बार तो नहीं क्या बात है, रिपोर्ट होगी मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ। तो फाइनली मैं धोलावीरा पहुंचने वाला हूं, ज़्यादा दूर नहीं है यहां से, और यहां पे रहने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं, तो ये आप राइट साइड में मेरे देख सकते हो, इस तरह के अपने को कैंप मिलेंगे यहां पे, टेंट या कैंप आप बोल सकते हैं, इस तरह के अपने को मिलेंगे, जैसे राजस्थान में है मिलते वहाँ पे उस तरीके के। ये देखो ये चीज़ मिल जाएंगी यहाँ रहने के लिए, और रेंट वगैरह अभी मैंने पूछा नहीं इनसे, और आगे मैं पहुंचता हूँ प्रॉपर वहाँ पे धोलावीरा में, तो वहाँ से कंफर्म करूँगा रेंट वगैरह क्या होगा, क्योंकि मैं तो आपको पता है गाड़ी में कैंपिंग करता हूँ, बट इसमें तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए, अगर आप इतनी दूर आ रहे हो, अगर आप उधर से आ रहे हो उदयपुर वाली साइड से, तो पहले आप आओगे धोलावीरा, धोलावीरा के बाद फिर कल रन ऑफ का छूते हुए और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। आप अगर व्लॉग मेरे रेगुलर देख रहे हो तो आपको सब पूरे के पूरे इंडिया का पता चल जाएगा कि आप कहाँ से शुरू करके और कौन सा रूट आपने पकड़ना है, वो सारा रूट प्लान सब पूरा मैप बना के दे दूँगा मैं आपको, कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। बाकी इधर ना रश बहुत कम है, यहाँ पे भी ज़्यादा रश नहीं है, जैसे राजस्थान के रोड होते ना खाली, गुजरात वाले भी ऐसे थोड़े खाली खाली रोड मिलते हैं,
ज़्यादा रश नहीं मिलता, मेन पॉइंट पे जाके वहीं पे अपने को लोग मिलते हैं, रास्ते में बहुत कम गाड़ियाँ मिलती हैं। इधर भी इस तरह का रास्ते का व्यू होगा तो बावेरा की साइड जाते हुए। ये देखो फाइनली मैं धौलावीरा पहुँच चुका हूँ, धौलावीरा हड़प्पा नगर। आप पहले सुनते होते ना हड़प्पा वगैरह, जो किताबों में पढ़ते होते थे, है ना, ये वही चीज़ है। इधर मैं करता हूँ कहीं पे गाड़ी पार्क, और गाड़ी पार्क करके और फिर चलेंगे आगे, देखते हैं यहाँ पे अपने को क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं म्यूज़ियम कवर करने वाला हूँ, क्योंकि उसका टाइम है अबाउट 5 बजे का, तो उससे पहले पहले मैं इसको कवर कर लूँ और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है इसमें। क्या हाल हाँ जी, तो मैं अभी निकल चुका हूँ धौलावीरा को एक्सप्लोर करने के लिए। भाई जो इसकी जानकारी है वो आपको हैरान कर देगी, भी क्या हिस्ट्री है इसकी। ये जो गांव है ये है 5000 साल पुराना गांव, 5000 साल पुराना गांव है जो धौलावीरा है। हुआ क्या था कि यहाँ पे मतलब लोग खेती करते थे यहाँ पे, जो बेसिकली जो अब सारा एरिया है वो मतलब गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है, खेती करते थे। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता रहता था, है ना, मतलब पहले पता नहीं था, एक्सप्लोर नहीं हुआ था ये धौलावीरा के बारे में, किसी को कुछ नहीं पता था। तो क्या था, कुछ ना कुछ मिलता रहता था, कभी किसी की चूड़ी मिल गई, कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया, ऐसा कुछ ना कुछ मिलता रहता था। तो एक बंदा था गाँव का, वो उस चीज़ को संभाल के रखता था, ठीक है। तो 1965 में क्या हुआ, एक मतलब हार टाइप कुछ उसे मिला उस बंदे को, तो उन्होंने क्या है रिसर्च के लिए भेज दिया उसको, उस हार को। उस पर 2 साल रिसर्च चली प्रॉपर तरीके से। रिसर्च करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी खुदाई करने शुरू करा, तो उसके बाद पता चला कि इसके अंदर कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं, है ना। तो उस खुदाई के बाद बहुत कुछ यहाँ से मिलने लगा। इस तरह की उस टाइम डंप वगैरह बना के मतलब उनके द्वारा रखे जाते थे। ये जैसे पूरी खुदाई करी गई जब, और ये नीचे से डंप भी मिला उस टाइम का, जो नदी का पानी था जैसे बहाव बढ़ता था, वो आके इसमें स्टोर कर लेते थे अपने पीने के लिए। ये मिला, और इस साइड आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये देखो ऐसे छोटे बड़े यहाँ पे 16 बने हुए हैं, ये आप सारे देख सकते हो। ये ऊपर वाला सारा खुदाई करने के बाद में ये यहाँ पर मिला, जो आप मतलब पढ़ते होते थे हड़प्पा की, ये हड़प्पा वो, है ना, वो ये उस टाइम का है। इसमें खुदाई के दौरान बहुत सारे ऐसे पत्थर स्टोन्स मिले हैं, मतलब जिनसे पता चला कि ईरान और इराक के साथ भी इनका जो दान प्रदान चलता था। और ये जो गांव है ये 7 बार उजड़ा और 7 बार दोबारा से, जैसे कोई पानी ज़्यादा आ गया या कुछ भी आ गया, ऐसा कुछ आके 7 बार ये बह चुका और 7 बार ये दोबारा बना। और 2005 के बाद इसकी मतलब जो खुदाई है वो करनी बंद कर दी थी, क्योंकि जैसे जैसे वो खुदाई कर रहे थे कुछ ना कुछ नीचे से मिलता ही जा रहा था, कोई स्टोन कुछ उनके बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं म्यूज़ियम में दिखाऊंगा आपको, आगे वीडियो ऐड करूंगा जो मतलब म्यूज़ियम में इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, ये आप देख ही सकते हो ना। मेरे को लगता है अगर ऐसी चीज़ें भारत में हैं तो लोगों को एक बार जरूर आना चाहिए, सबको इस चीज़ के बारे में एक एक बार तो जरूर विजिट करना चाहिए, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। बाकी जो नहीं आ सकता वो मेरे ब्लॉग देख लिया करो अच्छी तरह से, मैं आपको इंडिया का जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगा। ये जो ज़मीन थी पहले देखो उतनी ऊँची थी जो साइड से है, इसको जैसे जैसे खुदाई करते गए नीचे से ये चीज़ें निकलती गई, बट अब इसकी खुदाई को बंद कर दिया गया है, अब इसको नीचे से नहीं और नहीं खोदा जा रहा। इससे आगे अपने को देखने को मिलेगा मिडल टाउन मध्यनगर, ये इसकी एक खासियत और है, यहाँ पे 3 तरह की जाति रहती थी, मतलब लोअर मध्यम और अपर वर्ग के लोग,
जैसे बिल्कुल गरीब लोग, मिडिल क्लास और हाई सोसाइटी, तीनों के एक ही गांव में रहते थे। बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही जगह पे मीडियम भी मिल जाए, अपर भी मिल जाए और गरीब भी मिल जाए, है ना। तो ये चीज़ें पता चली उनके, मतलब वहाँ के नीचे जब खुदाई कर रहे थे, जो लोअर क्लास के लोग कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं वो मिली, फिर पद्दे वाली मिली, फिर बिल्कुल अपर क्लास वाली मिली। ये देखो ऑब्वियस है, जो बाथटब वगैरह बने हुए हैं ना, वो हाई प्रोफाइल वाले लोगों के लिए थे, जो बिल्कुल लो क्लास वाले थे वो कुछ वैसा मिला होगा। ये देखो आपको ऊपर से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आप, ये देखो आप, ये उस टाइम का जो उनके मकान थे, है ना, इस टाइप में बने हुए थे सारे, आप देख सकते हो 5000 साल पहले का है ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, जो उनके मकान बने हुए थे। ये देखो दूर तक, ये देखो एक सारा, ये तीन भाग में है, ये मिडिल कास्ट वाले लोगों के घर थे ये, देखो इस तरीके से उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। जो ये वाला एरिया है ना, ये सारा मतलब पानी से गिरा हुआ है, एक समुंदर के बीच का है ये, मतलब कोई रास्ता वगैरह उस टाइम कुछ नहीं था। जो भी इनका लेन देन होता था इराक या ईरान के साथ, वो समुंदर के द्वारा ही होता था, मतलब समुद्री जहाज के द्वारा ही होता था जो भी था उस टाइम इनका। अभी तक उनकी जो चीज़ें हैं, जो स्टोन वगैरह हैं, कॉइन्स वगैरह हैं, वो यहाँ से मिल रहे हैं। यहाँ तो कुछ पानी वगैरह ज़्यादा आया होगा, है ना, तो जो समुंदर की लहरों के साथ जो रेता वगैरह आता है, कुछ भी आता है, उससे ये एक बन गया, जैसे टापू बन जाते हैं, है ना, पूरे के पूरा ये टापू वो बसा हुआ था बन के। जहाँ पानी ज़्यादा आ गया होगा तो वो सब कुछ बहा के ले गया साथ में। ये देखो आप दूर तक, और अब आप जाएंगे बिल्कुल उधर अपर वाली साइड में। ये देखो अपनी यहाँ की बिल्डिंग से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ अपर क्लास के लोग रहते होंगे, है ना। ये देखो ये यहाँ पे जो रहते थे वो थे हाई सोसाइटी के लोग। ये देखिए इसको ऊपर से देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कुछ समझ में आता है। ये देखो भाई ये उनके मकान होंगे, ये मकान के बीच वाले रास्ते, ये सुरंग टाइप भी यहाँ पे काफी बनी हुई है, मतलब सुरंग भी खुदाई के टाइम यहाँ पे मिली है। ये देखो कोई उनका जहाँ कुआं वगैरह या कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको, इस टाइप। ये देखो स्टोरेज के लिए छोटे छोटे यहाँ पे खलाब टाइप, ये उस टाइम उन्होंने बना के रखे हुए थे। ये देखो आप ये चीज़ें हम अभी भी पड़ी हैं। ये देखो ये देखो यहाँ पे एक कुआं मिला इनको खोदते हुए यहाँ पे, ये देखिए। ये देखो यहाँ से पानी आता होगा उनका ना, ये देखो कुएं में जाने के लिए। ये देखो मैं ऊपर वाली साइड से आपको दिखा रहा हूँ, रियल लोअर कास्ट वालों के लिए, मतलब के लिए नहीं उनका था ये। ये देखो छोटे छोटे से जो उनके मकान है, और ये वाटर स्टोरेज के लिए 15 से 16 यहाँ पे बने हुए मिले थे खुदाई के टाइम, वाटर स्टोर करके रखा जाता था। और चारों तरफ इधर दरिया है, या मैं आपको दिखा ही देता हूँ, शायद आपको कुछ दिखे, जो सामने आप देख रहे हो
कच्छ का है बोलते हैं ना, जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। ये सामने चारों ओर पानी है, बिल्कुल चारों ओर पानी पानी है, उसके बीच में ये गांव बसा हुआ है। और कल मैं जाऊंगा, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो कल का व्लॉग भी आप मिस मत कर देना, वो इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। कोई भी व्लॉग आप मिस मत करना, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आपको आगे वाले व्लॉग ना पसंद आए तो पूरे के पूरे पैसे वापस हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी इस बात की। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ऐसी चीज़ें पहले किसी ने दिखाई नहीं होंगी जिस तरीके से मैं आपको सारा भारत दिखाने वाला हूँ। समझे आप, समझे मेरी बात को। ये देखो आप, नीचे वाटर स्टोरेज के लिए और भी अपने को काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इस टाइम में पानी की काफ़ी मतलब दिक्कत आती थी तो स्टोर करके रखते थे यहाँ पे। ये देखो आप किस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे बने गए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज विलेज भी इसको बोला जाता है, बोला नहीं जाता है, डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड का हेरिटेज विलेज। ये देखो आप, तो ये था सारा धोलावीरा गांव, जो कि 5000 पुराना, 5000 साल पुराना बसा हुआ था। इसकी डिटेल मैं सारी आपको पहले दे चुका हूँ, सो कभी भी आप गुजरात में आते हो तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। बाकी और तरह इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप गिल ऑन व्हील्स यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे, ऐसे ही बोलते होते हैं ना, बने रहे यार, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं सच्ची में। जब आप रास्ते पे जाते जाओगे तो इस तरह पे ये सब कुछ शो भी किया हुआ है, मिडिल टाउन है ना, ये सब कुछ दिखाया गया। ये देखो पूरे का पूरा मतलब इसकी फ़ोटो वगैरह लेके, ये देखो आप किस तरीके से मतलब प्लान आउट किया हुआ है, सारा दिखाया गया है इस तरीके से पानी मतलब उनमें से जाता था। ये चीज़ें आपको पूरी देखने को मिलेगी। ये देखो